नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, यह मामला थाना सोरेक के अंतर्गत सकरबारा चौकी के ग्राम भवानीपुर के युवक को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक खेत में पानी लगा रहा था, जब ही अचानक सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से युवक को पता नहीं चला। जब उसकी हालत खराब होने लगी, तब उसने घर वालों को बताया, फोन कर पत्नी को बताया कि मुझे किसी ने काट लिया, उसकी आवाज़ बंद होने लगी। तभी घर वालों ने आकर समुदाय केंद्र में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, स्वर्गीय राम सिंह राजपूत का राजीव उर्फ संजू घर में अकेला ही कमाने वाला लड़का था, जो परिवार में दो बच्चे हैं। आपको बता दें, जिसका पालन पोषण कर रहा था। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जैसे ही लेखपाल राजेश सोनकर को इस बात का पता चला, तो मौके पर आकर जांच पड़ताल करना शुरू किया। जांच पड़ताल करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया। चौकी इंचार्ज प्रदीप सिंह ने आकर पोस्टमार्टम कराने के लिए कन्नौज के लिए रवाना कर दिया। कन्नौज उत्तर प्रदेश से अंकित कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बदन सिंह। क्या मामला हुआ? हमारा भतीजा जो है खेत पर पानी लगाया था, वहाँ सर्प ने जो है काट खाया, खत्म हो गया। कहाँ रहते हो? हम भवानीपुर रहते हैं, मौजा बजेड़ी, जिला कन्नौज। आप कौन लगते हैं उनके? हम उनके भतीजे का चाचा है, वो हमारा भतीजा है। अच्छा अच्छा उनके पिताजी का क्या नाम? राम सिंह। अच्छा, जो खत्म हुआ? उनका नाम राजीव। कोई कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई लेखपाल साहब आए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और थाने एप्लीकेशन देने गई।